तो आखिर ऐसा क्या कारण आया कि बीएसपी के एक अधिकारी को इस तरह से अपनी यह लीला रेल की पटरी पर जाके समाप्त करनी पड़ी? अरे चीज़ें, ये दो भैया सुबह आए थे घर में, उनको शायद कहीं पुलिस वगैरह से पता चला और वो समाज वाले थे, वो आके बताया कि ऐसा कुछ है करके, फिर मैं यहाँ के कंफर्म करने आया कि क्या हुआ है, तो फिर देखा कि पापा का ही है बॉडी करके। आप लोग करें कैसा ऐसा हुआ करके, परिवार में भी अच्छा संबंध था उनका? जब प्रमोशन हुआ था उसके बाद से क्या मतलब कोई दिक्कत चल रही थी क्या, लेट लतीफे ऐसा बता रहे हैं लोग कि कोई बीएसपी की तरफ तो कोई उससे अच्छा बात हुई, हंसा खुशी बढ़िया सा बात हुआ और उससे ज़्यादा कुछ तो शाम को बात हुई ना, परसों तो शाम को हम लोगों से बात हुई। एक जो जॉइनिंग हुई थी जब प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन के बाद एक तरह का प्रेशर बना हुआ था लगातार काम में, लेट से काम से आना, इस तरह की चीज़ें चलती? लेट से हल्का हल्का कह सकते हैं, पर वही कुछ ऐसा पता नहीं कुछ फिक्स कि क्या हुआ है। डिपार्टमेंट के जो लोग थे, आपके पापा किस डिपार्टमेंट? प्लेट मिल। इससे सुबह सुबह आज रामकृष्ण उइके, जिनकी उम्र 54 साल थी, बटालियन नेहरू नगर के पास ट्रैक में उन्हें पाया जाता है और उसके बाद घर में, जहां पर उनका घर है सेक्टर 8, वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। मामला क्या था इसको जानने के लिए हम लोग लाल बहादुर शास्त्री मर्चुरी आए थे, जहां पर उनके बेटे और जो तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कुछ मामला पता चला है वो पूरा मामला स्मृति नगर चौकी के अंतर्गत आता है, क्योंकि नेहरू नगर का जो क्षेत्र है बटालियन, जहां पर ट्रैक है, वहां पर जो सारी चीज़ें हुई हैं वो उस क्षेत्र में आता है। रामकृष्ण उइके इससे पहले रेलवे मिल में थे, उसके बाद प्लेट मिल में आए। प्लेट मिल में आए उन्हें पिछले जून में आए थे, 10 महीने करीबन हो चुके हैं और प्रमोशन हुआ था उनका एक अधिकारी के तौर पर। उसके बाद लगातार कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काम में ही कुछ ऐसी ज़्यादती हो रही थी उनके साथ, या कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उनके सीनियर थे वो परेशान कर रहे थे, इस तरह की बातें आ रही हैं। इस पर कोई क्लियरिफाई नहीं हुआ है, जो चीज़ें हैं वो जानने के हम भीतर जाकर की कोशिश करेंगे। रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से बॉडी मिली, बॉडी को उसके बाद जब घर वालों को बताने के लिए दो लोग जब वहाँ पर देखते हैं, दो लोग वहाँ घर जाते हैं सेक्टर 8 में, वहाँ पर बताते हैं, उसके बाद उनके बेटे और उनका पूरा परिवार, उनके दोस्त यार सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। घर पे एक बेटा और एक छोटी बेटी और धर्मपत्नी और ये सोए हुए थे, तभी सुबह अचानक अपनी गाड़ी लेकर के वो गए और उसके बाद किसे पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। एक बड़ा मामला है क्योंकि इसमें बीएसपी का एक ऐसा अधिकारी जो पहले रेलवे मिल उसके बाद प्लेट मिल, तो बीएसपी कहीं ना कहीं इसमें एक तरह एक कोने में बीएसपी आती है, दूसरे कोने में अगर देखा जाए तो उनकी मानसिक चीज़ें क्या चल रही थी, क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या बीएसपी से कुछ ऐसा कनेक्शन था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, क्या कुछ और कारण था, वो जो भी कारण था उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं उनके परिजनों से। केशांत कुमार, आज आपके पापा को ट्रैक पे आप पाए हैं, क्या मैं नहीं पाया हूँ, कैसे पता चला ये सब सारी चीज़ें? ये दो भैया सुबह आए थे घर में, उनको शायद कहीं पुलिस वगैरह से पता चला और वो समाज वाले थे, वो आके बताया कि ऐसा सा कुछ है करके, फिर मैं यहाँ के कंफर्म करने आया कि क्या हुआ है, तो फिर देखा कि पापा का ही है बॉडी करके। आप लोग का रहना कहाँ होता है? सेक्टर 8 में। आप थे जब पापा घर से निकले सुबह? मैं उस समय सो रहा था, तीनों जन सो रहे थे हम लोग, उसके पहले पापा निकल गए थे। घर पे कौन कौन है? मैं, मेरी बहन, छोटी बहन और मम्मी और पापा, बस। पापा एकमात्र थे जो काम करते थे, मतलब हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हैं? हाँ, मैं और मेरी बहन स्टडी कर रहे हैं, मम्मी हाउसवाइफ। कोई ऐसा कुछ था क्या कि मतलब जानकारी हो कि किस वजह से किए हों ये सारी चीज़ें? ऐसा तो कुछ नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल, और जो भी पता चला आज सुबह पता चला। कल जैसे रात में नानी का बर्थडे था दुर्ग में, तो हम लोग गए थे और मना के वापस आ गए, तब सब कुछ नॉर्मल था वैसे ही, फिर सो गए आके। आज सुबह फिर अचानक से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ करके। किसी तरह की कोई बहस, पुरानी कोई बहस तो नहीं थी? बहस वगैरह कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, ना कोई फैमिली ना कुछ भी कहीं। कुछ लोग बता रहे हैं कि एक जो जॉइनिंग हुई थी जब प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन के बाद एक तरह का प्रेशर बना हुआ था लगातार काम में, लेट से काम से आना, इस तरह की चीज़ें चल रही थी? लेट से हल्का हल्का कह सकते हैं, पर वही कुछ ऐसा पता नहीं कुछ फिक्स कि क्या हुआ है। डिपार्टमेंट के जो लोग थे, आपके पापा किस डिपार्टमेंट में थे? प्लेट मिल। इससे पहले किस डिपार्टमेंट में थे? रेल मिल। तो जब प्लेट में आए तो उसके बाद कोई डिपार्टमेंट से आया है यहाँ पे? डिपार्टमेंट से अभी आ रहे हैं, बोले आ गए हैं शायद अंकल। रामकृष्ण उइके जी के दोस्त हैं जो डिपार्टमेंट सोसाइटी से जुड़े हुए थे, वो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग को कब पता चला? हाँ, मेरे को 9 बजे पता चला, मेरे एक दोस्त बताया।
आप लोग क्या दोस्त थे कि डिपार्टमेंट में थे, कैसे? सामाजिक थे और दोस्त भी थे, सोसाइटी में जुड़े हुए थे हम लोग। किस तरह से मतलब चीज़ें थी, बातचीत व्यवहार किस तरह? बातचीत व्यवहार में तो बहुत एक नंबर था, सीधे साधे थे और कोई उनका व्यवहार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं था उनको। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसा ऐसा हुआ करके, परिवार में भी अच्छा संबंध था उनका। जब प्रमोशन हुआ था उसके बाद से क्या मतलब कोई दिक्कत चल रही थी क्या, लेट लतीफ़ी ऐसा बता रहे हैं लोग कि कोई? नहीं नहीं, बीएसपी की तरफ था तो कोई उन्हें शेयर नहीं किया है, ड्यूटी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते, बाकी ऐसा तकलीफ उन्होंने कभी इसका एहसास कभी जिक्र नहीं किया कि मेरे को ड्यूटी से तकलीफ है ऐसा करके। फीलिंग वाली था नहीं उसके चेहरे पर, कभी चिंताजनक नहीं, नहीं चिंताजनक नहीं था, काफ़ी अच्छे थे। वही कैसे ऐसा उग्र कदम उठाया तो हम लोग सोच से बाहर है, मतलब आप लोग से उठना बैठना होते रहता था? हाँ, और सामाजिक तौर पे उठना बैठना। आखिरी बार कब मिले थे, मतलब मुलाकात कब हुई थी इससे पहले? अभी ये आज जो हुआ है सुबह, उससे पहले कब? वो तो अभी तो मैं 15 दिन हो गया नहीं मिला था, उसके पहले 8 तारीख को अपना महाशिवरात्रि पर्व जब मनाया उस दिन मिला था, उससे अच्छा बात हुई, हंसी हंसा खुशी बढ़िया सा बात हुआ और उससे ज़्यादा कुछ। तो शाम को बात हुई ना, परसों तो शाम को हम लोगों से बात हुई तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं ना फाइनेंशियल? नहीं नहीं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था ही नहीं, परसों तो मेरे से बात होते रहता है तो परसों ही बात हुआ था, जो भी सोसाइटी के संबंध में ऐसी चर्चा हुआ था आपस में, कोई दिक्कत नहीं था। तो क्या डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार हैं वो आए हुए हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, डिपार्टमेंट के जिम्मेदार नहीं भी बोल सकते। अभी नहीं आए हैं क्या यहाँ, मतलब मिलने जुलने के लिए? मिलने उनके अधिकारी लोग आए थे। रामकृष्ण उइके के सुपुत्र से हमने बात करने की कोशिश की, उनको जितनी जानकारी थी उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, उन्हीं के साथ साथ वो परिजन और परिजनों के साथ साथ हमने उनके दोस्त, डिपार्टमेंट से जुड़े लोग, समाज से जुड़े लोग, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया है कि काफ़ी सामाजिक व्यक्ति थे, व्यवहार में कोई ऐसा चीज़ नहीं था, किसी चिंताजनक कोई स्थिति नहीं थी, न पैसे का कोई लेन देन था, किसी भी तरह की चिंता को लेकर के माथे पर कोई शिकन नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या कारण आया कि बीएसपी के एक अधिकारी को इस तरह से अपनी यह लीला रेल की पटरी पर जाके समाप्त करनी पड़ी, ये भी एक सवाल है। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, इस सवाल का जवाब जैसे ही मिलेगा इस खबर में अपडेट में लगातार आपको देते रहूँगा। पीछे भीड़ आप देख सकते हैं, मर्चुरी के ठीक सामने परिजनों की भीड़ है, डिपार्टमेंट के लोगों की भीड़ है, बीएसपी की तरफ से भी डिपार्टमेंट और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, उनमें से भी तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।